एक बार फिर बन गई मोदी सरकार, हो जाइए इन 5 कड़े फैसलों के लिए तैयार। यहाँ दोस्तों ये सबको पता है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, फिर एक बार मोदी सरकार देश का फैसला सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर भारतवासियों ने भरोसा जताया है, और क्या खूब जताया है, बम्पर जीत के साथ सत्ता में मोदी की वापसी हुई है। तमाम एग्जिट पोल ने जो भविष्यवाणी की थी नतीजे भी वैसे ही आए हैं। तो चलिए वो कौन से 5 कड़े फैसले हम आपको बताते हैं। नंबर 1, आतंकवाद और सख्त फैसले। आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार ने बिल्कुल सख्त है। 282 सीटों के दम पर ही बीजेपी की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। अब जबकि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई है तो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लेने को तरजीह मिल सकती है। नंबर 2, बेनाम संपत्ति पर प्रहार। मोदी सरकार 2014 में आते ही नोटबंदी और GST जैसे कड़े कदम उठाए गए, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। विपक्ष ने इन फैसलों की निंदा की थी, लेकिन मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी। यही नहीं, नरेंद्र मोदी कई बार बेनामी संपत्ति का जिक्र भी कर चुके हैं। इस बार वो बेनामी संपत्ति पर करारी चोट लगा सकते हैं। नंबर 3, 3 तलाक पर बड़ा फैसला। मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात कर बीजेपी ने संसदीय में 3 तलाक बिल पेश किया था, जिसमें अपनी पत्नियों को 3 तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुषों को खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। बीजेपी इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में ला चुकी है, लेकिन विपक्ष ने हर बार अड़ंगा लगाया है। बीजेपी की सत्ता में दोबारा से वापसी के बाद मुस्लिम महिलाओं के हित में ये फैसला लागू किया जा सकता है। नंबर 4, समान नागरिक कानून। हर नागरिक के लिए एक ही कानून का मुद्दा बीजेपी काफी समय से उठाती रही है, यानी किसी भी धार्मिक कानून की जगह सिर्फ संविधान का कानून चलेगा। इसके तहत हर परिवार में 2 बच्चे शादी संपत्ति के अधिकार नियमित किए जा सकते हैं। इस बार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी इस ओर कदम बढ़ा सकती है। नंबर 5, NRC के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी सरकार। पूर्वोत्तर में NRC का मुद्दा इस बार के लिए चुनाव में छाया रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से विरोध के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे पर आगे बढ़ी, उससे वह विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी ने NRC को पूरे देश में लागू करने का वादा किया है। मोदी की नई केंद्र सरकार इसे हकीकत में तब्दील कर सकती है। तो दोस्तों ये थे वो कड़े 5 फैसले जो मोदी सरकार लेना चाहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है दोस्तों, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों जैसे ही इसे टच करोगे तुरंत ये घंटी का निशान आएगा, ये घंटी आएगी दोस्तों, इसे दबाना ना भूलें, इसे दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपनी राय में कमेंट।